हाँ जी, तो 10 टिप्स टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए 10 टिप्स जो आपके काम आएंगी। तो मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो ये पूरी सीरीज होने वाली है ब्लॉगिंग के ऊपर, कोई भी वीडियो मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहली चीज है वो है निच। देखो निच टू निच डिफर करता है ट्रैफिक। अगर मान लो आज कोई चीज ट्रेंड में चल रही है, किसी टॉपिक पे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आने वाले टाइम में वो ट्रेंड खत्म हो जाए और आपका जो है बिल्कुल ट्रैफिक ड्रॉप हो जाए। तो कहने का मतलब है निच बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए, ऐसी निच रखनी चाहिए जो मतलब लॉन्ग टर्म हो, जिसपे मतलब अब खाने की चीज़ें हैं वो लोग सर्च करते रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सर्च करते रहेंगे, ऐसी चीज़ें जो मतलब आपको आगे वाले आने वाले टाइम तक आप सर्च होती रहें, ऐसी इंडस्ट्री जो सर्च होती रहता है जिसके बारे में, ऐसी निच पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप शॉर्ट टर्म पकड़ते हो तो वो 6 महीने 2 साल में ऐसा होता है कि वो एकदम से बूम आया ट्रैफिक में और उसके बाद खत्म, फिर आप सोचते हो यार अब मैं दूसरी कौन सी पकड़ूंगा। एक मतलब साइकोलॉजिकली ना आप झटका लगता है आपको कि यार अब इस चीज़ में क्या मैं कमा नहीं पाऊंगा। तो निच बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान से सिलेक्ट करने की। दूसरी चीज़ है जो निच के साथ ही जो टिप रिलेट होती है वो है आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं बनाना, आपको अपने टैलेंट के ऊपर बनाना है ब्लॉग। कहने का मतलब है इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब आज मुझे क्रिकेट पसंद है, कल मुझे फुटबॉल पसंद है, परसों मुझे हॉकी पसंद आने लग गई, तो ये मेरा इंटरेस्ट है जो चेंज होता जाता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट जो मेरा रियल टैलेंट है, अगर मैं मान लो अगर कोई मेरी पर्टिकुलर गेम में मैं स्ट्रांग हूँ, कैरम में अच्छा हूँ, तो कैरम मेरा टैलेंट है, मैं कहीं भी डाल डूल के कोटी डाल देता हूँ। कहने का मतलब एग्जाम्पल, आपका जो टैलेंट है आप उसमें बोर नहीं होगे ब्लॉगिंग करते हुए, बट आप इंटरेस्ट में बोर हो सकते हो जब ट्रैफिक नहीं आता। बेसिकली क्या होता है, हम कोई टॉपिक पकड़ के चलते हैं, उस पर ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करते हैं, इनिशियली 5-6 महीने जब ट्रैफिक नहीं आता ज़्यादा, हम बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम ना फिर रिन्यू कराते हैं डोमेन को और ना रिन्यू कराते हैं होस्टिंग को। ये मैक्सिमम ब्लॉगर्स के साथ होता है जो स्टार्ट करते हैं। तो आपको टैलेंट के ऊपर बनाना है, जिस टॉपिक पर आप मतलब जब मर्जी जितना मर्जी लिख सको, वो उस टॉपिक पे ऊपर क्या होगा कल को जब आपके इनिशियली डेज में ट्रैफिक नहीं भी आएगा ना, तब भी टैलेंट होने की वजह से आप उस टॉपिक पे कंसिस्टेंटली लिखते रहोगे। तो जब लिखते रहोगे तो यही चाहिए होता है ब्लॉगिंग के ऊपर, लगातार ब्लॉग्स डालना। तीसरी टिप है जो क्वेश्चन भी होता है लोगों का, कौन से प्लेटफॉर्म पे मतलब अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बनाए। तो सबसे बेस्ट इस टाइम जो है, जो इजी टू मतलब अंडरस्टैंड है हर किसी के लिए और SEO के लिए फ्रेंडली भी है, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाओ। अगर आपको लगता है कुछ मैनुअल चेंजेस कराने हैं, आप डेवलपर हायर करके भी करवा सकते हो बाद में, पर स्टार्टिंग में अगर सिर्फ आपको ब्लॉग्स डालने हैं, आपको सिर्फ सीखना है, तो कोई टेंशन नहीं है यार, अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे बनाओ। आगे भी ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यार SEO फ्रेंडली नहीं होती वर्डप्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में आगे जाके आपको बहुत चीज़ें पता लगेंगी, वर्डप्रेस बेस्ट है स्टार्टिंग में ब्लॉगर्स के लिए, तो मतलब वो बिल्कुल ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स बेकार हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म से बेटर है वर्डप्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह ठीक है, बट स्टार्टिंग में वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप SEO भी इजीली समझ पाओगे। चौथी टिप होती है ब्लॉग का डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस भी हम जिसे कहते हैं, या डिज़ाइन। तो ब्लॉग डिज़ाइन वो डिपेंड करता है आपकी थीम कैसी है, उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ पेड थीम लेना बेटर ऑप्शन है। बार बार रोने धोने से अच्छा है कि एक बार पैसे खर्च के पेड थीम ले लो। अगर आपको लगता है $60 तक की एक पेड थीम आ जाती है मैक्सिमम वर्डप्रेस की, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, तो आप जो होता है ना Fiverr.com या Fiverr.com, अलग अलग तरह से लोग उसे प्रनाउंस करते हैं, तो अगर आप वहां से चाहते हो $5 में आपको पेड थीम मिल जाएगी और आपको वो इंस्टॉल करते करके देगा, और जब आपको लगता है कि कोई अपडेट आ गया तो वो फ्री में दोबारा अपडेट आपको वो बंदा दे देगा जिसका गिग है, जिससे आपने $5 में वेबसाइट थीम खरीदी है। अब पेड थीम में एक और बेनिफिट क्या होता है, जब आप आगे जाके नेविगेशन अच्छा कर पाते हो, डिज़ाइन अच्छा होता है, हॉच पॉच नहीं होती वेबसाइट, तो एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी मिलता है। पांचवी टिप है, सब कुछ अच्छा होने के बाद सब वेस्ट हो सकता है अगर आपकी होस्टिंग स्पीड ही अच्छी नहीं है। आपने वेबसाइट को डिज़ाइन अच्छा बना दिया, निच अच्छी सोच ली, सब कुछ हो गया, बट अगर वो वेबसाइट क्लिक करने पे खुलती नहीं है, लोड होती रहती है, 2-2 घंटे लगाती है, कहने का मतलब है 10-10, 5-5 सेकंड लेती है, 7-7 सेकंड लेती है, इतनी ज़्यादा स्पीड स्लो है उसकी, तो लोग क्लिक करने के बाद इतना टाइम नहीं रुकते, वो बैक जाके दूसरा रिजल्ट खोल लेते हैं। तो मतलब उन्हें होल्ड करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बेटर करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ टिप है, बेसिक SEO तो हमें आना ही चाहिए अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कि अगर फोटोज
पोस्ट डाल रहे हैं अपने ब्लॉग में तो ऑल टैग वगैरह देना, ब्लॉग लिखते लिखते एक्सटर्नल लिंकिंग करना, इंटरनल लिंकिंग करना, उसके यूआरएल कैसे बनाएं, उसमें कीवर्ड कहाँ, स्टफिंग क्या होती है, डेंसिटी, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक एसईओ क्लियर होना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग में जा रहे हो तो। ये बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हो। और इस चैनल पे ही एसईओ रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख लोगे तो आपको फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 7th टिप जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और मैं भी करता था जब मैंने स्टार्टिंग की थी ब्लॉगिंग की, वो है आपको वो ब्लॉग्स लिखने हैं, वो कंटेंट बनाना है जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। हमें वो नहीं बनाना जो हमें लगता है कि वो सर्च कर रहे हैं या जो हमें पसंद है। बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। अगर हम ये बनाएंगे कि यार ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगेगी लोगों को, यार ये लोग शायद सर्च कर रहे होंगे, नहीं 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 नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट पे क्या सर्च हो रहा है, उसके ऊपर ब्लॉग बनाने हैं, तभी आपको मतलब विजिबिलिटी आपकी कंटेंट की होगी, मतलब लोगों को विजिबल होगा आपका कंटेंट। आपके जो एल्गोरिदम है, चाहे यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाओ, वो वीडियोस बनाओ जो सर्च कर रहे हैं लोग, ऐसे सेम होता है ब्लॉग्स, वो लिखो जो लोग जिनके बारे में सर्च कर रहे हैं कि मुझे इस बारे में यार समझ नहीं आ रहा, काश एक ब्लॉग लिखा होता। उस पर आपने अगर लिखा होगा तब जाके आप रिकमेंडेशन में आओगे गूगल के, तब वो आगे आपका ब्लॉग सर्व करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जो मुझे पसंद है मैं उस पर लिखता हूँ, मैं इस पर अच्छे से लिख सकता हूँ, नहीं, फिर वो ब्लॉग रैंक नहीं होने वाला। 8th टिप है, आपको टॉपिक पता लग गया कि हाँ किस पे लोग सर्च कर रहे हैं, तो कीवर्ड रिसर्च करनी बहुत स्ट्रांग है उस टॉपिक के ऊपर। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है आप 2000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख भी दो, उसमें कीवर्ड अच्छे से प्लेसमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग है, या बिल्कुल ही कीवर्ड यूज़ ही नहीं हुए, बस टॉपिक का एक दो चीज़ें थी वो एक्सप्लेन करते करते आपने बस लेंथी कर दिया है ब्लॉग को, तो भी आपका सर्च में नहीं आने वाला ब्लॉग। तो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर मैं आई बटन में भी दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो कि एडवांस कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। 9th टिप है कंसिस्टेंटली ब्लॉग्स डालना। अगर आप डेली ब्लॉग्स डालते हो फिर तो मतलब क्या बात है, बट अगर वीकली आप 3 से 4 ब्लॉग्स भी डाल रहे हो तो वो स्केड्यूल पकड़ के रखो कि हाँ मुझे 3 से 4 ब्लॉग्स डालने ही हैं वीकली, या अगर मैं महीने में 20 ब्लॉग्स डालता हूँ या 15 ब्लॉग्स भी डालता हूँ तो मैं डालूंगा। अगर मैं डेली ब्लॉग डालूँ तो फिर क्या बात ही रह गई, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, एक दिन में 2-2 ब्लॉग्स भी डालते हैं कई वेबसाइट पे। अगर आप एटलीस्ट डेली ब्लॉग डालोगे तो आपका भी रिकमेंडेशन में वेबसाइट जाने लग जाएगी, उस पर भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग जाएगा। तो कंसिस्टेंटली ब्लॉग्स ऐड करना रिसर्च करके, मतलब आपको रैंक दिलाएगा ही दिलाएगा आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात, लगातार ब्लॉग्स डालने से क्या होता है, आपकी वेबसाइट का या ब्लॉग का क्रॉल बजट बढ़ जाता है, मतलब क्रॉलर जो गूगल के क्रॉलर गूगल बॉट्स होते हैं वो रेगुलर आने लग जाते हैं, क्रॉल करके वो इंडेक्सर होता है इंडेक्स कर लेता है आपके पेजेस को, अब उसे रोज कंटेंट मिलता है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी जो ट्रस्ट बढ़ता है गूगल का आपके ब्लॉग के ऊपर कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट हो चुकी है मेरे लिए। 10th और लास्ट टिप जो है वो है आपको 1 या 2 प्लेटफॉर्म पकड़ के रखने हैं जहाँ से आपको डेली ट्रैफिक निकालना है अपने ब्लॉग के लिए, मतलब अपने प्लेटफॉर्म्स पे 1 या 2 प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ड्राइव करना है, भेजना है किस पे, अपने ब्लॉग पे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से 50 प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना कंटेंट शेयर करो, अपना ब्लॉग शेयर करो कि हाँ मुझे ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे डालने से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ऐसा भी नहीं होता। आप 2 या 3 प्लेटफॉर्म या एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ के रखो, उस पे लगातार ब्लॉग जितने हो सके ब्लॉग लिखो, उसके बाद उसके लिए अलग से ब्लॉग लिखो या कॉन्टेंट लिखो, वहाँ से ट्रैफिक वहाँ ड्राइव करो। उससे क्या होगा, आपको ग्रोथ मिलेगी ब्लॉग वाइज भी और उस प्लेटफॉर्म पे भी आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने लग जाएगी। तो बैकलिंक्स वाला सिस्टम अलग होता है, ये है सिर्फ ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए, इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैकलिंक्स होते हैं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना कॉन्टेंट शेयर करो, वो अलग चीज़ है, बट वो भी अब क्या हो गया, जब तक आप किसी प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट नहीं रहते, लगातार नहीं डालते, तो वो भी प्लेटफॉर्म फिर आपका रिकमेंड नहीं करता कंटेंट। कहने का मतलब है ब्लॉगिंग साथ साथ कर रहे हो तो बैकलिंक भी साथ साथ बढ़ाने के लिए आपको हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहने के लिए लगातार कंटेंट डालना पड़ेगा। तो अब होल्ड करते हैं थोड़ा सा, अब ये है कि ये तो 10 बेसिक टिप्स थी अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, मान लो आपने ब्लॉग बना भी लिया, बट अब ट्रैफिक कहाँ से लाएं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैक्सिमम लोगों का। तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ जो पार्ट 2 होगा ब्लॉगिंग का इसी सीरीज का, तो उसमें हम 10 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो अपने ब्लॉग पे, फ्री में भी और कुछ पेड मेथड्स भी होंगे, बहुत कम 80% या 70% फ्री टारगेट करूंगा मैं, फ्री मेथड्स जो होंगे, और बाकी 20-30% पेड। अगर आपको लगता है आपका बजट है तो आप पेड भी यूज कर सकते हो, वरना फ्री तो कर ही सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना यार, जरूर करना, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, कर दिया करो।
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ जो आपको देख के मज़ा तो आएगा ही आएगा, साथ में नॉलेज इतनी मिल जाएगी कि जब आप कोई वेबसाइट स्टार्ट करोगे, ब्लॉग स्टार्ट करोगे या यूट्यूब चैनल कुछ भी स्टार्ट करोगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ से कैसे करते हैं, वहाँ से कैसे करते हैं, वो बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे, स्मूथ गाड़ी चलेगी। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।